प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय आदर आभार अभिनंदन नमस्कार। मैं गोलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय BA द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज अपने दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए हिंदी का मानकीकरण पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए समझ लेते हुए चर्चा स्टार्ट करते हैं। ठीक, वाद विवाद संवाद। ठीक, हिंदी भारतीय मतलब हिंदी का मानकीकरण हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी क्या है भाई? हिंदी भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय की आर्य भाषा है। ठीक, 2001 के जनगणना के अनुसार लगभग 25.79 करोड़ भारतीय हिंदी का उपयोग मातृभाषाओं के रूप में करते हैं, जबकि 42.2 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से इस्तेमाल करते हैं। ठीक, 1998 के पूर्व मातृभाषाओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं के जो आंकड़े मिलते थे उनमें हिंदी का तीसरा स्थान था। 1998 में मातृभाषाओं में बोले जाने वाले की संख्या सर्वप्रथम जो है वो तीसरे स्थान पर हमारे हिंदी को मिला था। ठीक, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, मानक भाषा क्या है भाई? मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित भाषा। मानक भाषा का अभिप्राय है आदर्श श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित भाषा। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार शिक्षा सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है वह उस भाषा का मानक रूप कहलाता है। पुनः देख लीजिए, भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोगकर्ताओं के अलावा अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होता है, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखते हैं। जिस भाषा रूप का व्यवहार पत्राचार शिक्षा सरकारी कामकाज एवं सामाजिक सांस्कृतिक आदान प्रदान में समान स्तर पर होता है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधिता आदर्श भाषा होती है जिसके द्वारा वहाँ के शिक्षित वर्ग के द्वारा अपने सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक तथा व्यवहारिक व वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। किसी भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना उसका मानकीकरण कहलाता है। मानकीकरण अर्थात मानक भाषा के विकास तीन सोपानों में हम देख सकते हैं। मानव भाषा का जो विकास को तीन चरण में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। प्रथम सोपान जो है बोली। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली का होता है। ठीक, जिसे स्थानीय या आंचलिक या क्षेत्रीय बोली भी कहा जाता है। ठीक, इसका शब्द भंडार सीमित होता है, कोई नियमित व्याकरण वाकरण नहीं होता है बोली का। इसे शिक्षा आधिकारिक कार्य व्यवहार अथवा साहित्य के माध्यम नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर जो है लोकगीत अवश्य आपको मिलेगा, लोक रचना जरूर मिल सकता है मिलेगा। ठीक, अब द्वितीय सोपान जो है भाषा वही बोली जो बोली है वही बोली कुछ भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है और इसी कारण से वह मानकी साचे में ढलने लगती है। उसका पत्राचार शिक्षा व्यापार प्रशासन आदि में प्रयोग होने लगता है। तब वह
बोली न रहकर भाषा की संज्ञा प्राप्त कर लेती है। जो तृतीय सोपान है देख लीजिए, यह वह स्तर है, यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है, वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है, उसका प्रतिष्ठित रूप परिनिश्चित रूप होता है, उसकी अपनी शैक्षणिक वाणिज्यिक साहित्यिक शास्त्रीय तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली होती है। इसी स्थिति में पहुंचकर भाषा मानक भाषा बन जाती है, उसी को शुद्ध उच्च स्तरीय परिमार्जित आदि भी कहा जाता है। ठीक, भाषा के जो तत्व हैं उसमें ऐतिहासिकता होता है। ठीक, भाषा के तत्व में ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, केंद्रोन्मुखता, केंद्रीय उन्मुखता जिसे हम कहते हैं। ठीक, बहुसंख्यक प्रयोगशीलता, सहजता, बोधगम्यता, व्याकरणी साम्यता, सर्वाधिक एक रूपता, ग्रहणशीलता, ठीक, परिवर्तनशीलता। चलिए देखते हैं आगे। मानकीकरण का एक प्रयोग दोष यह है कि मानकीकरण करने से भाषा में स्थिरता आने लगती है। ठीक, मानकीकरण अगर आप करेंगे तो भाषा में स्थिरता आती है, इसलिए ग्रहणशीलता और परिवर्तनशीलता मानक भाषा की विशेषताएं नहीं है। ठीक, जिससे भाषा की गति अवरुद्ध हो जाती है, ठीक, रुकने लगती है। ठीक, इसलिए मानव की भाषा का जो है मानक भाषा की विशेषताओं में ग्रहणशीलता और परिवर्तनशीलता नहीं है। ठीक, महत्वपूर्ण कदम देख लीजिए। राजा शिव प्रताप सितारे हिंद, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद ने क ख ग र प पांच अरबी भाषा मतलब पांच अरबी फारसी ध्वनियों के लिए चिन्हों के नीचे नुक्ता लगाने का रिवाज आरंभ किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगनीज के जरिए खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा दी और ठेठ हिंदी का प्रचार किया। उन्होंने खड़ी बोली को पद्य की भाषा बनाने के लिए आंदोलन चलाया। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से द्विवेदी युग 1900 से 1920 सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग है। ठीक, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जब 1903 में बनते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के मानकीकरण का सवाल सक्रिय रूप से और एक आंदोलन के रूप में उठाया। युग निर्माता द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के जरिए खड़ी बोली हिंदी के प्रत्येक अंग को गढ़ने संवारने का कार्य खुद तो किया ही, बहुत लोगों से भी कराया। साथ ही अन्य भाषा साधकों को भी इस कार्य की ओर प्रवृत्त किया। द्विवेदी जी की प्रेरणा से कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण के नाम से एक बृहत व्याकरण लिख डाला। और जैसा कि आप जानते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संरक्षण में द्विवेदी के महाकवि मैथिलेश्वर गुप्त ने साकेत तले के भारत भारती 1912 में जब लिखा था खड़ी बोली में तो बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। ठीक, ऐसा माना जाता है, ऐसा कई जगह उद्धृत है कि भारत भारती को पढ़ने के लिए साउथ वाले हिंदी को सीखे। ठीक, छयवादी युग 1918 से 1937 तक। ठीक, छयवादी युग 1918 से लेकर 1936 से 1943 तक में हिंदी मानकीकरण की दिशा में कोई आंदोलनात्मक प्रयास नहीं हुआ, किंतु भाषा का मानक रूप अपने आप में स्पष्ट होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 के बाद हिंदी के मानकीकरण पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू हुआ, क्योंकि संविधान ने इसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया, जिससे हिंदी पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आ पड़ा। इस दिशा में दो संस्थाओं का विशेष योगदान रहा है। पहला जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के माध्यम से भारतीय हिंदी परिषद, तथा शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय केंद्रीय हिंदी निदेशालय का। ठीक,
अब भारतीय हिंदी परिषद को थोड़ा ध्यान लीजिए। भाषा की सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले 1950 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने ही उठाया। डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें डॉक्टर हरदेव बारी, डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा तथा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त आदि सदस्य थे। धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता डॉक्टर हरदेव बारी ने वर्ण विन्यास की समस्या, ब्रजेश्वर शर्मा ने हिंदी व्याकरण तथा ममता प्रसाद ने हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण विशेष रूप से अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लिपि के मानकीकरण पर अधिक ध्यान दिया और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण 1983 का प्रकाशन किया। ठीक, 1983 में मानकीकरण का प्रकाशन किया। ठीक, तो प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, आत्मीय धन्यवाद आप लोगों को शुरू से अंत तक बने रहने के लिए तथा आप सभी निवेदन है, पुनः निवेदन, साहित्यिक सहृदय निवेदन है कि आप हमारे दिव्यांग दृष्टिवादी विद्यार्थी भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।